तो दोस्तों, मैं हूं आपका उस वाला एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है स्कूटी की, में इस बारी आ गई है नई प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम भी कह सकते हो और थोड़ी गलती अपनी भी कह सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि स्कूटी क्या है, मिसिंग मार रही है मेरी स्कूटी काफ़ी ज़्यादा। तो चलो देखो आप लोग कैसे कैसे वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं सही, और प्रॉपरली आप लोग को सारी चीज़ें मिलेगी वीडियो में, तो जाके आप लोग करो वीडियो को इन्जॉय। तो दोस्तों, आज इसका खुल रहा है कार्बोरेटर, और लास्ट टाइम भी जैसे तुमने एक वीडियो में देखा था, मैंने इसके नीचे का कटोरा खोला था नॉर्मल सा साफ़ करने के लिए, और वो जो नीचे की दो बांसुरी होती है वो क्या बोलते हैं वो खोली थी। इसके अलावा बाकी अब देखते हैं क्या दिक्कत है। इसमें ये दिक्कत आ रही जैसे पहले वाली प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम से दोबारा हो गई सॉल्व। पहले तो हमने खैर बैटरी के बोल्ट टाइट करे थे तो ये प्रॉब्लम हो गई थी सही। अब शायद पता नहीं दोबारा एक बार इसकी बैटरी और देख लेना, ठीक है बैटरी, क्योंकि इसकी पता बैटरी की तार जल रही थी यहाँ पे ना। ये मैंने इसलिए खोलता क्योंकि इसका ना यहाँ से ये देखो यहाँ पे है ना बैटरी जो है ये इस पर टच होगी, इसकी तार जल रही थी तो उसकी वजह से, और ये तब से ही कर रहा है, इसके अलावा तो वैसे नहीं कर रही है। तो बाकी देखते हैं, मैंने अपनी तुम लोगों को बताई थी उसके बाद तब जाके मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर मजा मारी थी। तो अभी तो हाल फिलहाल इसका कार्बोरेटर खुल गया है। जैसे रेस लेते हैं तो रेस लेने के बाद ये गाड़ी हमारी रेस नहीं लेती, दबती है गाड़ी, मतलब जैसे कि पेट्रोल ख़त्म हो जाता है इस तरीके से दिक्कत कर रही है गाड़ी। तो इस गाड़ी को हमने इसका खोल दिया है कार्बोरेटर, देख रहे हैं कार्बोरेटर हमने पूरा खोल लिया है। तो हमने इसकी कार्बोरेटर की एक चीज सब खोल ली है, आज इसे कार्बोरेटर को पहले वॉशिंग करेंगे उसके बाद हम देखते हैं फिर चला गया, क्योंकि कार्बोरेटर हमने इसका सब देख सकते हैं पूरे एक चीज़ खोल ली है इसकी, दोनों जेट खोल लिए, फ्लूट खोल लिया, यहाँ मिक्सर होता है इसे भी हमने खोल लिया है, यहाँ से रेस का भी खोल लिया है, बाकी इसका देख सकते हैं सामान ये रख में दोनों जेट पड़े हैं इसके, फ्लूट पिन पड़ी है, ये इसका मेन जेट पड़ा है। अब इसे पहले वॉशिंग करके ये अच्छी तरीके से हम पहले वॉश करेंगे कार्बोरेटर को, उससे जो है धोते हैं हम प्रेशर से धुलाई देते हैं, क्योंकि अक्सर होता है इसमें कचरा आ जाता, ये इसका रेस कम बढ़ती का होता है और इधर ये रेस एड करने का होता है यहाँ पर, तो काफ़ी गंदा हो रहा है देख सकते हैं आप इसे। फिर हम वॉशिंग करके फिर से गाड़ी को चला के देखते हैं, मुझे दिक्कत इसमें कार्बोरेटर में ही है और बाकी और कुछ होती है फिर वो बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले इसका कार्बोरेटर खोल के चला के देखते हैं गाड़ी को। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों अब इसको कर रहे हैं हम लोग साफ, तो अब इसकी हम सफाई कर रहे हैं, जैसे कि तुमने भाई साहब की आवाज़ सुन ली होगी पता चल भी गया होगा हम यहीं पर आए हैं दोबारा, अगर जो भी होगा हम तुमने मतलब दोबारा उसको वो मतलब रिकॉर्डिंग में आखिर में मैं तुम लोगों को दोबारा बता दूँ। अभी क्या हम लोग इसको क्लीन कर रहे हैं, उसके सारे जितने भी अंदर के हैं इन सबको अच्छे तरीके से वॉश करना है, ताकि और इसके अंदर एक ध्यान रखना कि छोटे छोटे होल्स होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन करना होता है, जिसकी वजह से क्या है कि कचरा इधर उधर ना रह जाए। तो चलो क्लीन करने के बाद मैं तुम्हें सारी वीडियो दिखा दूँ।
बोलो हमने इसका वॉश कर दिया, देख सकते हैं आप इसका जेड होता है स्लो जेड। जब हम गाड़ी स्लो देती तो हमारी एक जेड काम करता, पेडल इस जेड से जाता और मेन जेड ही होता। ये दो जेड होते हैं, ये मेन जेड होता है, स्लो जेड होता। तो इसे जो साफ करना है स्लो जेड को हमें एक तार लेना है इस तरीके से वायरिंग का, लोहे का तार होगा तो इसका सुराख बड़ा हो जाएगा। सुराख बड़ा होने के बाद क्या होगा, गाड़ी पेट्रोल डाल देता है, ये सुराख होता है आरम पार, एकदम कचरा जाता है तो गाड़ी स्लो में परेशान करने लगती है। इस तरीके से साफ कर लेना तो गाड़ी हम कितनी भी स्लो इसकी बढ़ा लें, अरे जेड बंद होगा तो स्लो गाड़ी हमारी नहीं आने की है। ये इस तरीके से साफ करना है, सुराख देख लें ये साफ है, ये भी बंद हो जाते हैं तो इसे साफ कर दिया हमने, साफ करके इसे अपने यहाँ लगा देना। उसके बाद ये गेट है ऐसे ही से साफ करना, ये भी साफ होता है बहुत, ये आप देखोगे तो दिखाई देगा बिल्कुल, ये भी साफ है, ये भी क्लीन कर लेना। ये मेन जेड हम गाड़ी भागेंगे ना 30-40 की स्पीड पर होगी, गाड़ी दबेगी तो समझिए जेड में इसमें कचरा है जिसकी वजह से गाड़ी हमारी नहीं चल पा रही है। ये दोनों जेड होते हैं, ये रेस का भी काम करते हैं, ये गाड़ी को पेट्रोल देते हैं। जब स्लो में गाड़ी होती है तो इससे पेट्रोल जाता है, जब हम रेस देते हैं तो इससे पेट्रोल चाहिए गाड़ी। ऐसे टाइट कर देना है, ढीले रहेंगे तो गाड़ी हमारी पेट्रोल ताज़ा खाएगी और गाड़ी की जो है भड़बड़ाहट रहेगी गाड़ी के अंदर, साउंड सही नहीं आने का। अक्सर रहा है गेट कभी कस्ते में ढीले छोड़ दिए तो इनका ध्यान रखना। ये हमारी होती है कार्बोरेटर की फ्लूट पे और ये होता है फ्लूट। तो कभी कभी जैसे बहुत सी गाड़ियाँ ओवर करने लगती हैं, स्टार्टिंग में परेशान करने लगती हैं, तो ऐसा होता है फ्लूट के अंदर पेट्रोल भर जाता, जैसे चेक करने से कुछ नहीं भर जाता पेट्रोल, ये कहीं से लीक हो गया पेट्रोल भर जाता तो गाड़ी ओवर करने लगती है फ्लूट की वजह से। ओवर की दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो इसे जरूर देख लें, इस तरीके से हिला के पेट्रोल होगा तो दिखाई दे जाएगा। इसकी फ्लूट पिन है, जूम वूम मत करो, इसे देखो इसे यहाँ लगा लिया, यहाँ से पेट्रोल पाइप जो है हमारा जो टंकी से आता है यहाँ से पेट्रोल आता है, पेट्रोल आने के बाद यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ पर आता है। ये पिन का क्या काम होता है वो भी हम आपको बताते हैं। पहले इसे लगा लिया हमने, लगाने के बाद ये ठीक कर दिया इसका, ये लगा दिया। तो इस तरीके से देख लें ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब इतने जब हम पेट्रोल डालेंगे यहाँ से पेट्रोल आता रहेगा, जैसे ये कटोरी भर जाती थी पेट्रोल यहाँ उड़ जाता, उठने के बाद पेट्रोल आना बंद कर देगा पाइप से। जैसे कि हम जब इसमें फूक मारेंगे हमारी फूक नहीं जाने की है, ये नहीं जा रही, इसको लिए सही काम कर रहा। हम इस तरीके से कर देंगे इसे तो अब ये हमारी फूक इसके अंदर जा रही है, मतलब पेट्रोल अब इसमें काम करेगा, जब ऊपर आ जाएगा तो पेट्रोल रुक जाएगा यहाँ पर तरीके से। तो इसे आराम से ही देख लें सही काम कर रहा है या नहीं, लगाते वक्त अरे अटकेगा, यहाँ अटक गया तो पेट्रोल नहीं आने का गाड़ी में। ये इस तरीके से चेक कर दिया हमने, फिर फूक मारेंगे नहीं जा रहा, ऐसे पेट्रोल जा रहा तो फिर हमारी गाड़ी क्या करेगी, ओवर स्लो करेगी, ये रुकेगा नहीं, इंजन में पेट्रोल जाता रहेगा। वो यहाँ से जो पेट्रोल निकलता है वो जब ही निकलता है, जब इसमें से पेट्रोल ये पूरी गिलस से भर जाती है तो यहाँ से पेट्रोल जाके पाइप में से निकलने लगता, जब गाड़ी ओवर करती है यहाँ से निकलता पेट्रोल। तो इसको हम कर लेते हैं, इस तरीके से लगाने के बाद हिसाब क्या करना है आपको, पेच लगा लो इस तरीके से हिला के देखो, आवाज़ आ रही होगी देखो, तो इसको ये फ्लूट हमारा काम कर रहा, इसमें आवाज़ नहीं आती तो समझ लो ये फ्लूट हमारा कहीं अटका हुआ है जिसकी वजह से ये परेशान करेगा। ये सब चीज़ जो है ना कार्बोरेटर कसने से पहले चेक कर लेनी चाहिए, जिससे कि बाद में लगाने के बाद दिक्कत न हो दोबारा खोलने के लिए। ये कार्बोरेटर कस लिया इस तरीके से, ये भी ले सकते हैं, आवाज़ आ रही है फ्लूट काम कर रहा है, इस तरीके से जरूर चेक कर लें। बाकी जब सकते हैं जो हम वो मारते हैं जा रही है इस तरीके से करेंगे, नहीं जा रही, कार्बोरेटर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब ये हो गया इसका, इससे हम स्लो कम बढ़ती करते हैं गाड़ी, इसे हम यहाँ चढ़ा देंगे थोड़ा, इधर पूरा नहीं करना, पूरा कर देंगे तो स्लाइड नहीं लगेगी बाद में, पहले से दो चार दूर चढ़ा के छोड़ दें, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जब इसकी रेस सेट होगी।